ये देखिए मैंने कटहल को उबाल लिया था, छील के उबाल लिया था। ये बेबी कटहल है और इसको हम अब काट के अपने हिसाब से, आप अपना अपने हिसाब से काट लीजिए, जितना बड़ा आपको काटना है उसी शेप में काट के काट लेंगे हम इसको इस तरह से। ये देखिए कटहल को हमने साइज में काट लिया है। अब इसको हम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ठीक है, उबला हुआ है तो ये ऑयल कम लेगा। उबालते टाइम हमने नमक डाल दिया था और हल्का सा तेल डाल दिया था उबालते टाइम ही, ताकि इसका जो होता है वो चिपचिपापन जो होता है वो कुकर वगैरह में लगाना रह जाए और मतलब बिल्कुल हाथ में ऐसे आ जाता है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या किया था, पहले ही इसका ये कर दिया। और इसकी तैयारी में देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है इसको। ये अदरक लहसुन है, ये देखिए ये प्याज है, ये प्याज को भी ये करके रखा है। ये टमाटर है, ये देखिए ये टमाटर भी रख दिया हमने। और ये सारे मसाले हैं, ये देखिए ये मसाले हैं, धनिया, हल्दी, जीरा और मिर्च, तो ये पॉट डाल दिया है। और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना घोल लेंगे। इस मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ये था हल्दी, धनिया, नमक और जीरा पाउडर। इसको हम घोल देंगे, घोल के रखा रहेगा, थोड़े थोड़े देर घुलता है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़े देर इसको हम ठंडे पानी में ही घोलेंगे, घोल के इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी इसकी तैयारी है। और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा दही, तो दही भी हमने निकाल लिया है, ये देखिए दही भी निकाल लिया है, दही लेंगे इसकी थोड़ा सा हम। तो आज बहुत ही अच्छा ये कटहल का दम बनाने जा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से बनाते हैं ये। ये देखिए ये हमारा कटहल जो है वो फ्राई हो गया है, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया, तो अब इसको हम धीरे धीरे इसमें से निकाल लेंगे। ऑयल कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि दही डालेंगे तो अपने आप, और कटहल भी तले हैं तो ऑयल है उसमें। तो ये देखिए जीरा डाला और इसमें हम अदरक लहसुन का तो ये पेस्ट तैयार करके रखे हैं, ये डालेंगे अदरक लहसुन इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये डाल दिया, ये थोड़ा सा सौते होगा, वैसे ही हम इसमें सारा प्याज जो है वो डाल देंगे। और देखते हैं यदि कम लगा ऑयल तो थोड़ा सा भुन गया है अच्छे से, तो इसमें अब हम डाल देंगे, ऐड करेंगे टमाटर। और ये मसाला जो हमने ऐड ये करके रखा है, भिगो के रखा था, वो तो देखिए अच्छे से इसका ये हो गया है, तो अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे ये मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, कटहल उबालते टाइम भी हमने नमक डाला था, इसलिए अब इसमें मसाला में उसी हिसाब से नमक डालेंगे। वैसे कटहल में थोड़ा नमक ज़्यादा लगता है। ढक के थोड़ी देर इसको बीच बीच में चलाते हुए इसको भूनेंगे। ये देखिए ये मसाला मेरा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, इसमें 3-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं करेंगे, बीट भी नहीं किया है मैंने, वैसे ही 2 चम्मच दही इसमें हम ऐड कर देंगे। और दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा। तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आने तक इसको हम मिक्स करते रहेंगे ताकि दही हमारा फटे ना। अभी देखिए दही के साथ अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम कटहल जो है, इसमें आलू नहीं मिक्स किए हैं आज, कटहल सिर्फ कटहल बना रहे हैं,
तो कटहल की ही सब्जी है, तो इसमें मैंने आलू नहीं मिक्स किया। ये देखिए ये हमारा मसाला भुन गया, अब इसमें हम कटहल ऐड कर देंगे। और इसमें अच्छे से मसाले को कोट कर देंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए। और इसमें अब ऐड करेंगे गरम मसाला, एक चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए अब इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और कितना सुंदर सा ये देखने में भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह सा ये देखने में लग रहा है, बहुत अच्छा। और अब इसको थोड़ी देर ढक के हम ना इसको पकने देंगे, मसाले को सारा इस कटहल के साथ रचने बसने देंगे अच्छी तरह से, तो इसलिए इसको थोड़ी देर हम ढक के सिम करके, गैस को सिम करके ढक के इसको छोड़ देंगे। ये देखिए ये आप सब्जी पूरी तरह से तैयार है। यदि आपको कबाब जैसा सूखा सूखा खाना है तो इस तरह का भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी सब्जी बना रही हूँ तो सब्जी के लिए तो थोड़ा रस डालना पड़ेगा, तो पानी में डाल ऐड कर रही हूँ। आपको जितना करना है उस हिसाब से करिए। चावल के साथ खाना है, कई लोग तो कटहल की सब्जी और चावल बहुत पसंद से, मेरे यहाँ भी खाते हैं, पसंद से खाते हैं, तो यदि आपको वो डालना है तो थोड़ी ज़्यादा डालिए। रोटी के साथ खाना है तो ऐसे खाइए, पराठे के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ ये कटहल की सब्जी खाइए। बहुत ही अच्छा मसालेदार सब्जी ये कटहल का, ठीक है, तैयार हो गया है। ये देखिए इसको बस थोड़ा सा ये उबलेगा और ये हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा। इतनी कंसिस्टेंसी में रखूँगी इस सब्जी की। तो कटहल की सब्जी में मुझे धनिया उतना अच्छा नहीं लगता है, वैसे आप धनिया का से गार्निश करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कटहल की सब्जी में मुझे धनिया का ये नहीं, कटहल मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी तैयार हुई है सब्जी। अभी और थोड़े देर इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये सब्जी इसका पानी जो है वो उबलेगा। ये देखिए कितना अच्छा ये सब्जी हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है, तो आप लोग भी इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखें। और ये कटहल की सब्जी बहुत ही अच्छा होता है लगता है, तो इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखें। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।